सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, मार्केट में चारों तरफ साग ही साग दिख रहे हैं, तो आज हम साग से एक ऐसी रेसिपी बनाते हैं कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत पसंद से खाएं। गर्मा गर्म पालक के पराठे बहुत ही चटपटे बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के बहुत ही खस्ता और बहुत ही यमी वाले पराठे। ये बहुत ज़्यादा चटपटे बनते हैं, झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। बच्चों को आप टिफ़िन में बना के दे सकते हो, बड़ों के लिए भी ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमें लेना है पालक। पालक को सबसे पहले हम छांट के अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। हमें इसमें कुछ नहीं करना, बस इसको खोल के इसको छांट लेना है, जो भी इसमें घास वगैरह है उसे हटा देना है, और बस इसे काटना नहीं, बस इसकी ये मोटी वाली तंदी तोड़ के हटा देनी है। इस तरीके से सिर्फ पत्ते पत्ते हमें ले लेने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पालक को काट के इसको छांट लेते हैं और इसको वॉश कर लेते हैं। पालक को हमने छांट लिया है, इसकी मोटी मोटी डंडी हमने तोड़ दी है, अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया है। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम इसको ग्राइंड करना है तो ऐसे भी रख सकते हैं इसको। इसके अलावा हमने लिया है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इसके छोटे छोटे टुकड़े हमने कर लिए हैं। गैस पर कढ़ाई हमने चढ़ा ली है, हमें इसमें हल्का सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस करना है। मैंने इसमें आलू गोभी का फ्राई बनाया था, उसमें हल्का सा ऑयल बच गया है, बस मैंने उसी में इसको मैं इसको बना लूँगी, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, इतना ऑयल काफ़ी हमारे लिए। तो अगर आपकी आप डाल रहे हो तो बहुत थोड़ा सा ऑयल डालना। मेरा ये ऑयल ऑलरेडी बचा हुआ था कढ़ाई में, तो मैं उसी में बना लूँगी। ऑयल हमारा गर्म है, इसमें अपने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का टुकड़े डालेंगे। इन्हें सौते करना है, बस हमें इतना ही ऑयल चाहिए था। इतने में आराम से ये सॉटी हो जाएगा, ये चटक जाएगा, आराम से ये भुन जाएगा, ऑयल की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसे ब्राउन कर लेंगे। पालक के पराठे आपने कई तरह से बना के खाए होंगे, एक बार इस तरह के बना के देखो, बहुत ज़्यादा चटपटा बनता है ये, बहुत टेस्टी बनता है। हल्का से उसको ब्राउन होने देते हैं। लहसुन, अदरक और मिर्च हमारी भुन चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे अपना साग। मैंने साग नहीं काटा है, ये आपकी चॉइस पर है, आप छोटे टुकड़े भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हो। साग हमने डाल दिया है, इसको नीचे से पलट लेंगे, इसे ढक के हमें इसको उबलने देंगे। हल्का सा उबलना है, बहुत जब ये पानी छोड़ के थोड़ा सा कम हो जाए तो हम इसे बंद कर देंगे। खोल के हम देखते हैं कढ़ाई को, पालक ने पानी छोड़ दिया है, हल्का सा इसको और पकना है। पालक का पानी कभी नहीं फेंके, ये सबसे हेल्दी पार्ट इसका यही होता है। तो पानी इसमें थोड़ा सा पानी सूख जाएगा, फिर हम बंद कर देंगे। इसे खोल के देखते हैं, पालक हमारा हो चुका है, गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं, इसे ढक के थोड़ी देर छोड़ दें, ठंडा होने पर इसको ग्राइंड कर लेंगे। पालक हमने पीस के तैयार कर लिया है, अब हम लेंगे गेहूं का आटा। इसमें डालना है हमें थोड़ा सा अजवाइन, इसके अलावा इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, अब इसमें जाएगा हमारा पालक जो हमने पीस के रखा हुआ है। हम इसका एक स्मूथ सा डो बना लेंगे, जिस तरीके से हम रोटी का बनाते हैं। इसमें हमें मोइन डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसमें पालक डाल रहे हैं तो पराठा हमारा बहुत ही नरम मुलायम सॉफ्ट बनेगा, तो मोइन हम नहीं डालेंगे। आराम से इसका, जिस तरीके से हम रोटी का आटा लगाते हैं, नॉर्मल पराठे बनाते हैं, उस तरीके से इसका हमें आटा लगा लेना है। आटा मैंने लगा लिया है, जिस तरीके से हम पराठे का नॉर्मल आटा बनाते हैं उस तरह से बनाना है। इसकी लोइयां तैयार करनी है।
हमें लेना है चौकी बेलन, नॉर्मल जिस तरीके से रोटी बनाते हैं पहले उस तरीके से बनाना है। रोटी हमने पूरी गोलाई में बेल ली है, इसमें लगाएंगे हम घी, अच्छी तरीके से अंदर घी लगा लेना है ताकि जब इसकी परतें खुलती हैं तो ये और ज़्यादा बढ़िया लगता है। हमने इसे मोड़ा, यहाँ भी हमें लगाना है घी, इधर से मोड़ेंगे, इसके ऊपर हल्के घी लगाएंगे, इसे एक लिफाफे का शेप देना है। इसमें लगाएंगे थोड़ा सूखा आटा, रोटी बनाते समय जब भी सूखा आटा लगाएं तो आटा सूखा ये बिल्कुल महीन होना चाहिए। अगर ये आपका सूखा आटा तो थोड़ा भी मोटा होगा तो आपका पराठा रोटी जो भी होगी वो हार्ड बनेगी, कड़ी नहीं बनेगी। तो रोटी या पराठा कुछ भी सॉफ्ट बनाने के लिए आपने परथन को यानी कि आटे जो सूखा आप लगाते हैं इसको हमेशा महीन और पतला रखें, हमेशा उसको चाल के महीन रखना है, तभी आपका पराठा रोटी जो भी होगी बिल्कुल अच्छी बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, मुलायम। पराठे हमने बेल के तैयार कर लिए हैं। पराठे बेलते समय एक बात हमेशा ध्यान रखें कि पराठे बहुत ज़्यादा पतले ना बेलें, बहुत ज़्यादा पतले बेलने से पराठे आपके सॉफ्ट मुलायम नहीं बनेंगे। रोटियां आप पतली से पतली बना सकते हो लेकिन पराठों को हल्का मोटा ही रखें, पराठे मोटे रहने पर ही मुलायम होते हैं। तो चलिए हम अब गैस ऑन करते हैं, तवा हमारा गर्म है, पराठे डालेंगे। दोस्तों मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए भी और भी लेके आ सकूं। पराठे में लगाएंगे शुद्ध देसी घी, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको दबा दबा के पकाएं ताकि अच्छी तरीके से ये पक जाए। ये पराठे आप चाहो तो अचार के साथ खा सकते हो, सॉस के साथ खा सकते हो, दही के साथ खा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और पालक हेल्दी तो है ही, बहुत बच्चे पालक नहीं खाना चाहते तो इस तरीके से आप पराठे बना कर उनको लंच बॉक्स में दे सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा पराठा बन के बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से अपने और पराठे भी बना लेंगे।